नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों के लिए जल्द ही मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है बिहार सरकार। आज ईद उल अजहा का होगा रोजा, बकरीद को लेकर गुलजार रहा बाजार। बिहार का लाल बना ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर। लालू यादव की सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री रामसूरत रॉय आए आमने सामने। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 5 जगहों पर हुआ नगर वन योजना के काम का शुभारंभ। हाल ही में देश भर के 5 जगहों पर एक साथ नगर वन के कार्यों का शुभारंभ किया गया है, जिसमें ही बिहार के भागलपुर, रोहतास, बांका, गोपालगंज और गया में इसकी शुरुआत की गई है, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर की गई। इसी मौके पर दिल्ली से लाइव जुड़े केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि देश भर में शुक्रवार को 75 जगहों पर नगर वन के कार्यों की शुरुआत की गई है। कुल 600 नगर वन विकसित करने की योजना है। सभी लोगों को अपने अपने जीवन में पौधारोपण करना चाहिए, उसके संरक्षण पर काम करना चाहिए। अब बच्चों के माध्यम से भी पौधे के संरक्षण को लेकर जागरूकता रैली निकाली जाएगी। किसानों के लिए जल्द ही मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है बिहार सरकार। बिहार के नीतीश सरकार किसानों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत करने जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार सरकार मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कृषि यंत्रों को किराए पर लेने के लिए करने वाली है। वर्तमान समय की बात करें तो किसान आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, जिसके लिए अलग अलग मशीनों की जरूरत पड़ती है। बिहार के छोटे और सीमांत किसानों की सुविधा के लिए ही बिहार का सहकारिता विभाग ये पहल करने जा रहा है। शुरुआत में इस सिस्टम को 3000 पैक्सों में लागू करने का काम होने वाला है। अगले हफ्ते उम्मीद है कि इस सेवा की शुरुआत हो जाएगी। बिहार सहकारिता विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि अगले हफ्ते 2997 पैक्स में सेवा की शुरुआत होने वाली है। आज ईद उल अजहा का होगा रोजा, बकरीद को लेकर गुलजार रहा बाजार। आज यानी कि रविवार को बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। खानकाह और ईदगाह में बकरीद की नमाज की तैयारी की जा रही है। बकरीद के 13 दिन अल्लाह से अपने संबंधों को स्वस्थ बनाने की शिक्षा देती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में बकरीद एक प्रमुख त्यौहार है और इसे ईद उल जुहा के नाम से भी कई जगह जाना जाता है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार पर्व 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। ये पवित्र त्यौहार रमजान महीने के खत्म होने के 70 दिन बाद मनाया जाता है। मुस्लिम धर्म में इसका बेसब्री से इंतजार किया जाता है। इस त्यौहार पर बकरे की कुर्बानी देने की प्रथा है और इसलिए इसे कुर्बानी के तौर पर मनाया जाता है। बिहार का लाल बना ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। देश हो चाहे विदेश, बिहारी प्रतिभा ने हर जगह अपना परचम फहराने का काम किया है। इसी बीच बिहार के एक और लाल ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है, जिसके तहत ही बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के लाल का विश्व की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड में सहायक प्रोफेसर के रूप में चयन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड में देश के 3 पीएचडी कर रहे छात्रों का चयन हुआ, जिसमें पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया प्रखंड स्थित कवलपुर के छात्र डॉक्टर जियाउल हक भी शामिल है। आईआईटी दिल्ली पीएचडी के लिए अध्ययनरत छात्र जियाउल, डॉक्टर गौरव अरोड़ा और डॉक्टर तनु जैन के अधीनस्थ मशीन डिजाइन विथ फोर्स कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स पर शोध कर रहे हैं। बिहार में लंबा हो रहा है बारिश का इंतजार। बिहार में बारिश का इंतजार अब लंबा होने वाला है। कुछ दिनों पहले हुई बारिश के बाद उम्मीद थी कि शायद बिहार में मॉनसून की एंट्री हो गई है और अब लोगों को गर्मी से तो राहत जरूर मिलने वाली है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मॉनसून बिहार में अब कमजोर नजर आ रहा है। मौसम विभाग पटना की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर बिहार के किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि पटना और इसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने के आसार हैं। 12 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश को लेकर कोई चेतावनी मौसम विज्ञान की तरफ से जारी नहीं की गई है। इसका सीधा मतलब यही है कि बिहार के कई जिलों में अभी बारिश को लेकर इंतजार करना होगा। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट में बिहार की लड़कियों को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने हाल ही में बिहार की लड़कियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इसके तहत ही मंत्रालय ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बिहार में काम करने वाली लोगों में महिलाओं का अनुपात बहुत कम बताया है। इसकी मूल वजह है कि प्रदेश में महज 27.8% ही महिलाएं 8वीं या 10वीं पास है, जो राष्ट्रीय औसत 40.7 से काफी नीचे है। लिहाजा स्थायी पगार वाली या उच्च पदों तक राज्य की महिलाएं बहुत कम पहुंच पाती है। हालांकि इसमें सुधार हो रहा है। ये आंकड़ा महज 12.6% है, जो राष्ट्रीय औसत 29.8% के आधे से भी कम है। इस मामले में पहाड़ी और आदिवासी बहुल राज्यों की स्थिति काफी बेहतर है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने निकाली रिक्तियां।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने पीएचएन ट्यूटर के लिए कुल मिलाकर 190 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 20 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL को भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में बैंकों पर बढ़ेगा सरकार का दबाव। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अब बैंकों की हर शाखा के लक्ष्य की मॉनिटरिंग होने वाली है। उद्योग विभाग ने इसको लेकर अपने सभी जिला उद्योग महाप्रबंधक को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस योजना के तहत बैंकों को निर्धारित लक्ष्य से 3 गुना अधिक आवेदन भेजने की बात कही गई है। पूरे बिहार में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8,000 लोगों को इस योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाए जाने का लक्ष्य है। इस लिहाज से वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 24,000 आवेदन बैंकों को भेजे जाएंगे। अब बिहार में होगी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एमटेक की पढ़ाई। बिहार के वैसे छात्र जो अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी आज की यह खबर बेहद ही खास होने वाली है और खासकर उन छात्रों के लिए जो जरूर आगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एमटेक करने का मन बना रहे हैं, क्योंकि अब तक उन्हें इस पढ़ाई के लिए अन्य राज्यों का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब नालंदा का चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना जहां एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एमटेक की पढ़ाई शुरू होगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस साल से इस कोर्स में 60 सीट पर नामांकन लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूरे भारत में ही गिने चुने IIT समेत कुछ संस्थानों में इसकी पढ़ाई होती है। इससे पहले पावर सिस्टम में पढ़ाई के बाद अब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी एमटेक की पढ़ाई होगी। बिहार से नेपाल भेजी गई बाढ़ राहत सामग्री। बिहार में भले ही बारिश ना हो रही हो, लेकिन बिहार से सटे नेपाल में बाढ़ का माहौल है, जिसके बाद से ही बाढ़ को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में हालात चिंताजनक है। गंगा और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण ही अब सीमा से सटे लाखों लोगों की जिंदगियां भी प्रभावित हो गई है। भारत सरकार के पहल पर भारत नेपाल मित्रता को और प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से बाढ़ राहत सामग्री से भरे 31 ट्रकों को नेपाल रवाना किया गया। राजधानी पटना से सटे बिहटा स्थित 9वीं बटालियन NDRF मुख्यालय से कमांडेंट सुनील कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बाढ़ राहत सामग्री को नेपाल के लिए रवाना किया। इस राहत सामग्री को भारत नेपाल सहयोग के बैनर तले नेपाल भेजा गया है। वैशाली के कुटागार शाला बिहार में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कुटागार शाला उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां भगवान बुद्ध बारिश के मौसम में अपने वैशाली प्रवास के दौरान रहते थे। उत्खनन ने इसके निर्माण के 3 चरण को उजागर किया है। मूल रूप से ये एक छोटी सी चिता थी जो सुंगाकुंश काल के दौरान बनाई गई थी। इसके बाद गुप्ता अवधि के दौरान दूसरे चरण में एक ऊंचा मंदिर में इसे विस्तार किया गया और अंत में गुप्ता अवधि के बाद तीसरे चरण में कई विभाजन दीवारें प्रदान कर मंदिरों को मठ में परिवर्तित किया गया था। बिहार समेत इन राज्यों के यात्रियों के लिए खुशखबरी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आने वाला समय बिहार समेत कई यात्रियों की ट्रेन यात्रा के लिहाज से बेहद ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि नॉर्थ रेलवे ने यूपी बिहार समेत कई राज्यों से होकर जाने वाली ट्रेन के संचालन की अनुमति दे दी है। रेलवे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस द्विसाप्ताहिक रेल सेवा को संचालित करने का फैसला किया गया है। इस ट्रेन के फिर से बहाल होने से यात्रियों का वेस्ट बंगाल, असम और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों के प्रमुख शहरों के लिए आना जाना आसान हो जाएगा। नॉर्थ रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार के मुताबिक रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने सप्ताह में 2 दिन चलने वाली ट्रेन संख्या 15903 15904 डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की सेवा 27/7/2022 से बहाल करने की बात कही है। पटना जू के अंदर चाय पानी की भी अब होगी व्यवस्था। अगर आप भी आने वाले समय में बिहार की राजधानी पटना स्थित जू में घूमने की सोच रहे हैं तो आपको आने वाले समय में जू के अंदर खाने पीने और खासकर चाय पानी की कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि जल्द ही पटना जू के अंदर घूमने आए लोगों को चाय पानी मिलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार संजय गांधी जैविक उद्यान आए दर्शकों को नारियल पानी और चाय की सुविधा उद्यान के अंदर मिलेगी। खबर के अनुसार जू के गेट नंबर 1 के पास बांस के स्टॉल बनाए गए हैं। दर्शक भ्रमण कर वापस लौटने के बाद यहां इसका आनंद उठा सकते हैं। स्टॉल की शुरुआत के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। पर्यावरण संरक्षण का ख्याल रखते हुए पटना जू में इको फ्रेंडली स्टॉल तैयार किए गए हैं। मिट्टी के कुल्हड़ में चाय और ग्लास में नारियल पानी परोसा जाएगा। अंडर 17 बालिका राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की उपविजेता बन बिहार की टीम लौटी बिहार।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वाधान में गुवाहाटी में अंडर 17 बालिका राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में उपविजेता बनी बिहार की टीम बिहार लौट आई है, जहां पर ही लोगों ने खिलाड़ियों का बैंड बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। इसके बाद टीम ओपन जीप में सवार होकर रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए रवाना हुई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वाधान में गुवाहाटी में अंडर 17 बालिका राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता 15 जून से लेकर 4 जुलाई तक चली, जिसमें देश भर की कई टीमों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में बिहार की टीम उपविजेता बनी है। अगले 5 साल में देश में पेट्रोल की उपयोगिता पूरी तरह हो जाएगी खत्म। आने वाले 5 सालों में देश में पेट्रोल की उपयोगिता पूरी तरीके से खत्म होने वाली है, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये कहना है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का। उन्होंने ही पेट्रोल को लेकर बीते दिन कई बातें कही हैं, जिसके तहत ही महाराष्ट्र के अकोला में पहुंचे गडकरी ने 5 साल बाद देश में सभी वाहनों में हरित ईंधन के इस्तेमाल होने का भरोसा जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले सालों में वाहन में पेट्रोल की उपयोगिता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने हरित हाइड्रोजन, इथेनॉल और अन्य हरित ईंधन के उपयोग पर जोर दिया है। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल बाद देश में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। आपकी कारें और स्कूटर पूरी तरह हाइड्रोजन, इथेनॉल, सीएनजी या एलएनजी पर आधारित होंगे। लालू यादव की सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर बीते दिन बड़ा अपडेट आया है, जिसको सुनने के बाद राजद समर्थक जरूर राहत की सांस लेने वाले हैं। कई दिनों से बीमार चल रहे लालू प्रसाद यादव की सेहत अब ठीक होने लगी है, यानी कि अब उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। राहत की बात यह भी है कि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट से हटा दिया गया है। खबरों के अनुसार उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि इन सब के बावजूद लालू प्रसाद यादव के परिवार और समर्थकों के बीच प्रार्थनाओं का दौर जारी है। हाल ही में तेज प्रताप यादव ने भी लालू यादव के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री रामसूरत रॉय आए आमने सामने। बिहार में एनडीए की राजनीति में भले ही ऑल इज वेल की बातें कही जाती रही हो, लेकिन इन दिनों मंत्रियों की तरफ से आ रहे बयान ने सभी के कान खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, भीतरघात भी शुरू हो गया है, जिसका अंदाजा आप भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत रॉय के बयान को सुनकर लगा सकते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि शनिवार को अंचलाधिकारियों के संस्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया गया था। बताया गया है कि तबादले में गड़बड़ी की वजह से मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। इसके बाद भाजपा कोटे से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत रॉय के स्थानांतरण आदेश को किया गया है, जिसके बाद यह मंत्री रामसूरत रॉय ने ऐलान कर दिया है कि मंत्री रहने से कोई फायदा नहीं है। जहां पर मंत्री का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं, वहां विभाग चलाने से कोई फायदा नहीं। पटना लौटे तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव का इलाज करवाने दिल्ली गए तेजस्वी यादव पिता की सेहत में सुधार आते ही वापस पटना लौट आए हैं, जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचते ही मीडिया कर्मियों से बातचीत की, साथ ही लालू प्रसाद यादव की सेहत से जुड़ा अपडेट भी दिया। इस दौरान ही एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की तस्वीर भी सामने आई है। कई लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया, लालू के स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी। इस सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। तेजस्वी यादव ने पिता के स्वास्थ्य को लेकर बताया कि उनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है, वो अब बैठने लगे हैं, साथ ही लेकर खड़े भी हो रहे हैं। वहीं लालू यादव की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उनकी सेहत में साफ सुधार देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के आगमन से पूर्व तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। बिहार विधानसभा के लिए यह साल बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है, साथ ही शताब्दी वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, अब पीएम मोदी विधानसभा के कार्यक्रम का हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, जिसके बाद ही पहली बार किसी प्रधानमंत्री का विधानसभा दौरा होने जा रहा है। बिहार विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर ने 100 साल पूरे कर लिए हैं। शताब्दी वर्ष को बिहार विधानसभा के द्वारा उत्सवी माहौल में मनाया जा रहा है। योजना के अनुसार अब शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए थे और अब प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई को विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। आरसीपी सिंह को मिला चिराग पासवान का साथ। अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे आरसीपी सिंह को चिराग का सहारा मिला है। जी हां, आपने सही सुना, जदयू के साथ चल रही अनबन के बीच बीते दिन आरसीपी सिंह को लेकर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है, जिसके तहत ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आरसीपी को जदयू में किनारे लगाए जाने का मसला जदयू का आंतरिक मामला है। किसी दल में कौन रहना चाहता है और किसे रखा जाता है, ये उस दल का अंदरूनी मसला है, लेकिन यकीनन आरसीपी सिंह का अपना एक व्यक्तित्व रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो दमदार शख्सियत है। आरसीपी ने जदयू के संगठन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई, बेबाकी से अपनी बात रखने का उनका अंदाज रहा है। आरसीपी ने जदयू को मजबूत करने के लिए जो काम किया, उसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1246 में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मुंबई में जन्म 1949 में हुआ। उनके नाम 125 टेस्ट में 34 शतक के साथ 10122 रन है। 108 वनडे में उन्होंने 3092 रन बनाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिलाओं के पहले एनसीसी कॉलेज की शुरुआत 1965 में हुई। वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग का 1966 में महाराष्ट्र के नासिक जिले से निर्माण शुरू हुआ। मुंबई के मड़गांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का 1972 में जलावतरण हुआ। भारत ने 1986 में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर पहली बार लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीता था। भारत और श्रीलंका में शिक्षा और सामुदायिक विकास से संबंध में दो समझौते पर 2005 में हस्ताक्षर हुए। भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक M.S. गोपाल कृष्ण का जन्म 1931 में हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता आलोक नाथ का जन्म 1956 में हुआ। भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार भिखारी ठाकुर का निधन 1971 में आज ही के दिन हुआ था। शिखर धवन को कप्तान बनाए जाने पर पूर्व क्रिकेटर ने उठाए सवाल। भारत को इस महीने के आखिरी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इस सीरीज से विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया गया, जबकि शिखर धवन को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। जिस पर ही पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा धवन को कप्तान बनाए जाने पर चिंता जाहिर करते देखे गए। चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि इतने सारे कप्तानों के साथ मेरा एक सवाल है कि क्या भारतीय कप्तानी हासिल करना इतना आसान हो गया है? क्या इसके पीछे बहुत सारे खेल कारण है? क्या चोटें एक कारण है या ये वर्कलोड मैनेजमेंट कारण है? क्या भारतीय क्रिकेट सही हाथों में है? अलग अलग कप्तान के अलग अलग दर्शन होंगे, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं? चोपड़ा का मानना है कि टीम को सेटल होने की जरूरत है। अब दो फोन पर चलेगा एक ही व्हाट्सएप। बहुत से लोग हैं जो एक साथ दो दो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप सिर्फ एक ही फोन पर चला पाते हैं। लेकिन आपकी ये समस्या अब खत्म होने वाली है। जल्द ही आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल एक साथ दो स्मार्टफोन पर कर पाएंगे। इसके लिए आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि कंपनी मल्टी डिवाइस फीचर की सुविधा तो देती ही है, लेकिन ये एक प्राइमरी डिवाइस के अलावा बाकी जगह सिर्फ वेब वर्जन में ही चल पाता है। ऐसे में एक साथ दो फोन पर एक ही व्हाट्सएप अकाउंट चलाने के लिए तिगड़म भिड़ानी पड़ती है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। WABETA INFO की रिपोर्ट के मुताबिक नए फीचर का नाम कंपेनियन मोड। इस फीचर के जरिए प्राइमरी डिवाइस के अलावा एक अन्य डिवाइस पर भी चैट हिस्ट्री सिंक की जा सकती है। बिहार में फिर से मिले कोविड-19 के 400 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 408 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1957 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 3, अरवल में 6, बांका में 11, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 40, भोजपुर में 3, बक्सर में 1, दरभंगा में 5, ईस्ट चंपारण में 1, गया में 2, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 8, खगड़िया में 6, किशनगंज में 2, मधुपुरा में 2, मधुबनी में 6, मुंगेर में 6, मुजफ्फरपुर में 14, नालंदा में 3, नवादा में 1, पटना में 220, पूर्णिया में 6, रोहतास में 9, समस्तीपुर में 7, सहरसा में 15, सारण में 2, शेखपुरा में 3, सीतामढ़ी में 0, सिवान में 1, सुपौल में 6, वैशाली में 4 और वेस्ट चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई। इसके अलावा 8 ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 133,866 सैंपल की जाँच हुई और इस दौरान 192 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कम बारिश के कारण संकट में किसान। बिहार के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से बारिश का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसका सीधा असर अब किसानों पर दिख रहा है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता में कमी आने से सामान्य से भी कम बारिश रिकॉर्ड की गई। 1 जून से 8 जुलाई के बीच प्रदेश में 191.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 24% कम है। इस दौरान ही 252.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जिसका ही प्रतिकूल प्रभाव धान के बिचड़े पर देखा जा रहा है। किसानों को अब बिचड़ा बचाने में पसीना छूट रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अंगात नस्ल का बिचड़ा तैयार हो गया है, लेकिन अब खेत में पानी नहीं होने के कारण रोपनी नहीं हो रही है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो अगले 1 हफ्ते में भारी बारिश नहीं हुई है तो कई फसलों को नुकसान हो सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है सुनील सौरभ, राजकुमार प्रसाद, सम्राट दिनेश, प्रिया यादव ऑफिशियल, सुमन सौरभ, आलोक कुमार आर्यवत, रंजन कुमार, नुन्नू कुमार, सुनील कुमार सिंह, अमर कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में शिक्षा के सुधार के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।